सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब यूनिक एजुकेशन चैनल को और इस यूट्यूब के बेल आइकन में क्लिक करें और ऑल नोटिस में क्लिक करें और ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियो देख लेंगे। सबसे पहले थैंक यू फ्रेंड। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेशन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि एनी डेस्क का यूज़ करके आप किसी भी मोबाइल को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी फ़ोन को। तो मैं देखूँ प्रैक्टिकल करके लाइव दिखा रहे हूँ, तो शुरू करते हैं, देर ना करते हो। अभी मैंने इसमें प्ले स्टोर खोलता हूँ, ओपन हो रहा है प्ले स्टोर, यहाँ लिखना है एनी डेस्क। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो एनी डेस्क को इंस्टॉल कर लें। एनी डेस्क ये इसमें इंस्टॉल हो गया है और इसमें भी दूसरे फ़ोन में भी इंस्टॉल कर लें। इसमें भी एनी डेस्क इंस्टॉल कर लें दोनों फ़ोन में, तभी आप एक्सेस कर सकते हैं किसी भी फ़ोन को। फोन इसका फ़ोन देखो, इसमें ये हो गया, दोनों में इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसे दोनों में कनेक्ट करके दिखाता हूँ इसकी। अब इसमें पॉपअप आएगा स्क्रीन पे, इसमें डोंट ओके कर देना, टिक कर देना, टिक करते जाना है इसे। ठीक है, हो गया सेट। अब ऐसे ही दूसरे फ़ोन में भी करना है सेट, इसे ओपन करना है और इसको भी टिक करते रहना। ओके, अभी हो रहा है, टैप करते जाना है इस पर भी। कुछ मैसेज आते हैं उस पर, स्क्रीन पे शो होते हैं, उसे टच करते जाना, बस हो गया। अब शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए आप इस फ़ोन को इसमें एक्सेस करना चाहते हैं, इसकी स्क्रीन को देखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप इसका नंबर डालेंगे, मॉडल नंबर। इसका क्यों नहीं आ रहा है इसका नंबर? मान लीजिए ये फ़ोन को आप इसमें एक्सेस करने देते, इसका नंबर मैं डालता हूँ 3199714522। ठीक है, अब इसको मैं इसमें सेंड कर दूंगी, इसमें मैसेज आएगा, यहाँ नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है और ओके भेज देना है। ठीक है, अभी देखिए, अभी लाइव आपको मिलेगा देखने को। अभी मैसेज नहीं गया, अभी देखता हूँ स्पीड आ रही है, नेट स्पीड कम आ रही है क्या? अभी सर्वर की दिक्कत है, अभी रुक जाओ। अपने नेट खोलता हूँ मैं, तब आपको बताता हूँ कैसे इसे कनेक्ट करना, स्क्रीन दिखेगी आप। अभी एक्सेस करने, क्या बात है, एक्सेस क्यों नहीं कर रहा है? मैंने देखा, खोल दिया, एक्सेस करते हैं, अभी रुक जाओ। अभी फ्रेंड ये कनेक्ट हो गया वाईफाई, इसे तभी होगा। अब मैं करता हूँ ओपन करना है और इसे सेंड कर देना है। अब इस पर टच करना है स्क्रीन पे, इस पर भी टच करना है, इस पर भी, इस पर भी और इस पर, बस अब ये मैसेज पहुंच जाएगा इधर। बस पहुंचने वाला है, थोड़ा नेटवर्क स्लो है फ्रेंड, इसी वजह से जा नहीं पा रहा है। अभी फिर से हम करेंगे, थोड़ा नेटवर्क की समस्या है आ रही है, इसमें दिक्कत है। आपको भी दिखाते हैं पूरा,
एक्सेस हो जाएगा। फिर दोबारा करते हैं, नेटवर्क स्लो आ रहा है इसलिए दिक्कत आ रही है, इसमें एक्सेस हो जाएगा। फिर करते हैं, नेटवर्क ही बहुत स्लो आ रहे हैं। फ्रेंड नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है, देखिए। फिर अब नोटिफिकेशन गया है इस पर, इसके पास आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। दोबारा जा रहे हैं, मैसेज पहुंचने वाला, पहुंच गया, ये वार्निंग आ रही है। ऐसे ये करना है, एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है, और स्टार्ट, कनेक्ट हो गया। अब देखिए इमेज इसकी शो करने लगी, देखिए तो कर रही है इमेज की। अभी इसमें दिखा रहे हूँ, नेटवर्क की समस्या है, इसकी वजह से नहीं हो देख पा रही है, इसलिए स्लो हो चल रहा है। तो फ्रेंड मैंने एक्सक्रीन दिखा, हेलो फ्रेंड देखो इस तरीके से ये आ गई फ्रेंड, स्क्रीन दिख रही है इसमें, देखो अब मैं जो इसमें चला रही हूँ वो इसमें दिख रही है, शो कर रही है। कोई भी चीज़ खोलूँ, व्हाट्सएप जलना रहा है, इसमें स्क्रीन आ गई, ये आ गई स्क्रीन, ये अब मैं ये खोलता हूँ कॉन्टैक्ट, देखिए जी ये खुल गई फ्रेंड, बिल्कुल देखो फोटो भी आ रही है इसमें, स्क्रीन शो हो रही है इसमें पूरी। थोड़ा नेटवर्क स्लो है, आप देख लेना करके, या ऐसे इस तरीके से एक्सेस करें, इसका मिस यूज मत करें, क्योंकि इससे लोग दूसरा कोई मैं करता अनजान आदमी, तो ऐसा आप ना करें, जान पहचान के लोगों के साथ करें, वरना आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। थैंक यू फ्रेंड एज वीडियो देखने के लिए, गुड बाय।